हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्सअप टूल। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इनवैलिड क्लिक के बारे में। आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के बारे में पहले से बहुत कुछ पता होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी होंगी, बट आपको आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनवैलिड क्लिक आपके यूट्यूब चैनल पर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती क्या है, थोड़ा सा बताऊँगा, और उसके बाद इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे हो सकती है, और उसके बाद अगर आपके पास इनवैलिड क्लिक आ रही है तो आपको पता कैसे चलेगा, और चौथी बात कि अगर आपके चैनल पे इनवैलिड क्लिक आ रही है, आपको पता चल गया है, तो आप उसे बचेंगे कैसे, उससे रोकेंगे कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इनवैलिड क्लिक की। तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती है अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी क्लिक इनवैलिड तरीके से आ रहा है, मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं आ रहा है, तो वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी में आ जाएगा। मींस अगर आप कोई अपनी वीडियो अपने आप देख रहे हो तो वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी में आ जाएगा। ये पहले टाइप की इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। उसके बाद अगर आपने अपने पापा मम्मी, अपने शुभम, अपने सुमित के साथ देखी, किसी दोस्त के साथ, किसी दोस्त के मोबाइल पे देख ली, तो भी वो इनवैलिड क्लिक में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अपने दोस्त के मोबाइल से देख रहा हूँ, अब अपने मोबाइल से नहीं देख रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मोबाइल के IPS ट्रैकिंग हो जाती है और IP एड्रेस ट्रैकिंग हो जाते हैं और YouTube आपके मोनेटाइजेशन को ब्लॉक कर देता है। और दोस्तों, जो तीसरी बात आती है, तीसरे टाइप की इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आती है, वो होती है जब आपके चैनल पे कोई नई वीडियो वायरल होती है, कोई भी नई वीडियो आपकी उड़ जाती है, आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने मोबाइल से देखा नहीं है, आपके दोस्तों के मोबाइल से भी नहीं देखा है, लेकिन आपके चैनल पे अब भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ रही हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। मोनेटाइजेशन 11 होने के बाद ही, 1 महीने बाद ही आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई हम आपका डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, YT स्टूडियो में अपने चैनल पे जाना है। चैनल में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा दूसरा चैनल है टेक्सअप टूल, तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी वीडियो की इन्फो में जाना है। तो चलिए हम किसी भी वीडियो की इन्फो में जाते हैं, मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाना है। वीडियो एनालिटिक्स में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका ओवरव्यू आ जाएगा, यहाँ पे रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको जाना है डिस्कवरी में। डिस्कवरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आएगा ट्रैफिक सोर्स। तो ट्रैफिक सोर्स पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। ट्रैफिक सोर्स पे जाने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपका ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रहा है या फिर इनऑर्गेनिक, मतलब इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही। तो उसमें मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब सर्च में आ रहा है, सजेस्टेड वीडियोज आ रही, एक्सटर्नल में 4.5 आ रहा है परसेंट, उसके बाद अदर यूट्यूब फ्यूचर से 2.1% का ट्रैफिक आया। अब ये डायरेक्ट और अननोन, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है डायरेक्ट और अननोन की। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि आपका ट्रैफिक आया कहां से। जब आपके डायरेक्ट और अननोन की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, ग्रेजुअली बढ़ जाती है, 5 से 6% तक किसी किसी वीडियो पे पहुंच जाती है, तो आप समझ जाना दोस्तों कि वहां पे आपके इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही है, और आपको क्या करना है, उसके बाद उस वीडियो का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देना है ताकि आपका डीमोनेटाइजेशन ना हो। तो उसके बाद बात आती है कि हम इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से बचेंगे कैसे। हमें पता तो लग गया कि हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो पर इनवैलिड व्यूज आने लगे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने ट्रैफिक को रेगुलर चेक करना है और एक टाइम पे चेक करना है। जैसे आपने रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच में ऑब्जर्व किया, तो अगले दिन 9 से 10 के बीच में ही ऑब्जर्व करना है, फिर उसके अगले दिन। तो ऐसे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका डायरेक्ट और अननोन कितना बढ़ रहा है, या आपके यूट्यूब पे कहां कहां से ट्रैफिक आ रहा है, और किस टाइम पे एकदम से व्यूज बढ़ते हैं और घट जाते हैं। एक तो यह बात हो गई, और दूसरा क्या करना है, आपको अपने चैनल को कहीं पर भी प्रमोट नहीं करना है, किसी के व्हाट्सएप पर अपने चैनल की या वीडियो की कोई भी लिंक अपने मोबाइल से शेयर नहीं करनी, अपने पापा के मोबाइल से, मम्मी के मोबाइल से कहीं से भी शेयर नहीं करनी है, अपनी वीडियो कोई भी वीडियो आपको वॉच नहीं करनी है। कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि आप एक दिन में एक वीडियो देख सकते हैं, बट दोस्तों ऐसा रिस्क क्यों लेना, आप 1 मिनट 2 मिनट अपनी वीडियो देख के कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो तो मोबाइल में जाके देख लो, लैपटॉप की हार्ड डिस्क में जाके देख लो, वहां से अपनी वीडियो देख सकते हो, तो यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से बच सकते हैं, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी को जान सकते हैं, और अपना डीमोनेटाइजेशन होने से अपने चैनल को बचा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने भाई के चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।